हेलो गाइस, आज वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपना वीजा कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अलराजी बैंक में अगर जाएंगे तो इस तरह का एटीएम आपको दिखेगा, इसी में से आपको अपना एटीएम कार्ड प्रिंट करना होता है। कैसे करते हैं पूरा डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, करके दिखाने वाला हूँ, प्रिंट करके निकाल के दिखाने वाला हूँ। इस तरह का आपके सामने पूरा डिटेल मिल जाएगा और यहाँ पे 24 घंटा एटीएम खुला रहता है, कहीं से भी जाकर अपना एटीएम कार्ड इस तरह का निकाल सकते हैं। ये वीजा कार्ड है, मादा वीजा कार्ड आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह होता है। सबसे पहले एटीएम पे गए, एटीएम पे जाने के बाद यहाँ प्रिंट एटीएम का ऑप्शन है, देखे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कार्ड यहाँ सेलेक्ट करना है। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, जो आपके पास अकाउंट नंबर है एग्जाम्पल यहाँ डाला हुआ है, उसी के हिसाब से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। डालने के बाद कन्फर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी कोड दिया जाएगा, वो 4 डिजिट का कोड होता है, वो कोड आपको डालना होगा। जब वो उसको इसमें डालेंगे, देखें आपके नंबर पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको इसमें फिलअप करना है। इससे पहले बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। देख सकते हैं इस तरह आपको अपना ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको नाम दिया जाएगा, 4 नाम, इसमें से आपको एक नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिंगर के लिए बोल रहा है, तो आप अपना फिंगर लगाएं। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है, देख सकते हैं यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको वेट करना है। अब ये कितना टाइम लगेगा आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना देर में आपका एटीएम कार्ड प्रिंट होता है। आपको अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, बस वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एटीएम कार्ड आपका खुद में खुद प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप एटीएम कार्ड को फिर अपना उसमें पिन जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेकेंड चालू हो गया, ये 100 सेकेंड हो जाएगा तो आपको आपका एटीएम कार्ड 100% प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद आपके इसी मशीन से आपका एटीएम कार्ड निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको फिर दूसरा एटीएम में जाकर वहां से आपको अपना पिन चेंज करना होता है, अपना पिन बनाना होता है, तभी मैं आपको एटीएम कार्ड प्रिंट होने तक आपको यहाँ वेट करना है। कितना टाइम लगता है देख सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी सवाल जवाब अगर करना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहां पे आने के बाद आप कोई भी सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं, किसी भी बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। और आपको एक आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपका यहाँ पैसा नहीं करता है, आपको 1 सेकंड लगता है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा कमेंट करते हैं तो मेरे को वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अदरवाइज आपको अगर कुछ वीडियो में कमी दिखता है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में ये कमी है, ये गलत बताएं, ये सही बताएं। हम वीडियो जो बनाते हैं वो आप लोग के लिए बनाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट में बताएं, ताकि हमें मालूम चले कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ वीडियो गलत है या सही है। देख सकते हैं यहाँ पे 65% हो गया है, ये 100% होगा तभी जाकर आपका एटीएम कार्ड यहाँ से प्रिंट होकर निकलेगा। देखे यहाँ पे सेकेंड चल रहा है, मैं आप लोग को यहाँ पे आपका एटीएम निकाल के मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से इस तरह आप अपना एटीएम कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी बैंक का एटीएम प्रिंट करने के लिए सेम प्रोसेस है। अगर आप एटीएम कार्ड अप्लाई किए हैं, अकाउंट ऑनलाइन ओपन किए हैं, तो 3 महीने के अंदर आपको अपना एटीएम कार्ड को प्रिंट कर लेना है। अगर 3 महीने से ज्यादा होता है तो फिर एटीएम कार्ड आपका प्रिंट नहीं होगा, आपको फिर दोबारा से अप्लाई करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये 95% हो गया, 97, 94 यहाँ पे आपके सामने एटीएम कार्ड प्रिंट होके निकल जाएगा। देखें यहाँ से।